हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है संडे और यहाँ पे साइक्लोन की वार्निंग है, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे बाइक या कार लेके, बट जस्ट यहाँ नज़दीक में जो मार्केट है वो एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज हम वापस प्रोबेबली सुपर मार्केट भी जाने वाले हैं, वहाँ से थोड़ा सा स्नैक्स और वाटर बॉटल लेके आएंगे, क्योंकि अब हमारा सब नाश्ता ख़त्म हो चुका है और फ्लाइट्स में कुछ मिलेगा नहीं और हमारा 6 आवर्स का लेओवर है, सो इट्स बेटर टू कीप सम स्नैक्स। आज हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है और पूरा वेदर सनी है। पता नहीं, जब भी हमारी 2-3 एक्टिविटीज़ थी लास्ट 2 व्लॉग्स वहाँ पे देखा होगा, दोनों दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। आज हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, पूरा लेजर डे है और आज वेदर सुबह से ही सनी है और मार्केट भी बंद है आज, तो वी कांट बोरो एनीथिंग। अभी कार और बाइक का रेंट का पूछा, कार रेंट पे मिल रही है पर 25,000 रुपये डिपॉजिट है मॉरिशियन रुपीज़ और 1200 या 1300 रुपये रेंट है 24 आवर्स का, पर 25,000 डिपॉजिट, दिस इज़ वे टू मच। और हमें वार्निंग भी दी थी कि यहाँ पर लोग पैसे लेके चले भी जाते हैं, तो हमें श्योरिटी भी नहीं है कि हम देख ही नहीं देते। हाँ, इसीलिए कार या बाइक हम रेंट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पैदल ही पूरा एक्सप्लोर करेंगे। शॉपिंग खत्म, ऑलमोस्ट हमने 750 रुपीज़ की शॉपिंग कर ली है, पानी की बॉटल है, स्नैक्स और सब आ गए। अंजलि जब आइसक्रीम खा रही है, मैं सोच रही थी हाँ कि आइसक्रीम टेस्ट तो करी जाए, आइसक्रीम खा रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाने के लिए, 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट्स है साइड में, तो चेकआउट करते हैं कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है। ऐसे छोटे छोटे रोड है, साइड में बीच है और पब है, पता नहीं, पर फास्ट एंड फ्यूरियस में जो मेक्सिको दिखाते हैं थोड़ी सी उसकी याद आती है, काफ़ी ज़्यादा मेक्सिको जैसा ही लगता है ये मॉल, वो ब्यूटी तो पूरा लगा था, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। हाँ, सब लोग ऐसे ही चिल है, एकदम मस्त है, बीचेस है यहाँ पे, दिखाता हूँ मैं आपको एक यहाँ फ्लिक एंड फ्लैक जो बीच है वहाँ पे अभी चलते चलते हुआ है। फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर 25 to 28 minutes हमने 2 रोल लिए, रोटी जो रैप्स हमारे इंडिया मिलते हैं वो यहाँ पे लिए। इंडियन रेस्टोरेंट का आइडिया कैंसिल रखा बिकॉज इंडियन तो हम खाते रहते हैं वहाँ पे, तो थोड़ा सा स्ट्रीट फूड ट्राई किया है यहाँ पे। अभी हम रैप्स लेके आए फ्लिक एंड फ्लैक, क्या है, फ्लिक एंड फ्लैक बीच पे, तो ये है फ्लिक एंड फ्लैक बीच। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस के नाम बहुत ही टंग ट्विस्टर टाइप है, मतलब अब सुन के 3-4 बार बोल हमने सकते हो, 4 बार पूछा था हाँ, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। बट ये जो बीच है ये हमारे रिसोर्ट से बाहर निकलते ही राइट हैंड साइड से शुरू होती है, कम से कम अभी तो हम 1.5-2 किलोमीटर चल के आए, तब तक ये बीच लंबी है। सब रैप खा के हम थोड़ी देर बैठे यहाँ पे, बीच एंजॉय किया और अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने रिसोर्ट। 20 रुपये में मिलता है रैप, एक वेजिटेरियन रैप है, अच्छा है, मतलब 40 रुपये में आप कुछ बुरा नहीं कह सकते, अच्छा है 40 रुपये के हिसाब से। मौसम में इतनी धूप है फिर भी गोरे लोग पता नहीं क्या चल रहे लोगों को यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं सब, इतनी धूप में भी। हाँ जी, तुझे नहीं करनी स्विमिंग? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं स्किन ख़राब हो जाती है इतना स्विमिंग करके। मैं कि देखो आप हम अपने ब्लॉग में बिफोर एंड आफ्टर पिक्स डालेंगे। बहुत ज़्यादा टैन हो गई, मुझे इतनी असर नहीं हुआ, आई गेस मुझे इतनी असर नहीं हुआ। मैंने सनस्क्रीन पूरा लगा रखा है, इवन मैंने उसके नीचे कोकोनट ऑयल भी बोला था वो भी लगाया, बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो गाइस टेक नोट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सनस्क्रीन लोशन आप लगाओ या ना लगाओ, टैन तो आप होने ही वाले हो। अनली मुझे लगता है मुंबई इमिग्रेशन में तुझे लोग मना कर देंगे इस बार। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, या बोलेंगे मैम प्लीज गो बैक टू योर ओन कंट्री। अब मुझे लग रहा है बारिश ही अच्छी थी, रेनकोट पहन के एटलीस्ट सनस्क्रीन लगाने की जरूरत तो नहीं पड़ती, टैन होने की टेंशन भी नहीं। हाँ, बट अगर 3-4 दिन के लिए तुम आ रहे हो तो हाँ थोड़ा टैनिंग बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, 3-4 महीने बाद उतारना ही चलता रहेगा। जिस हिसाब से तो हाथ में बॉटल और ये पॉलिथीन लेके चल रहे, ऐसा लग रहा है तो यहाँ बसने वाली है। सीरियसली मैं सोच रही हूँ करण को वापस भेज देती हूँ, मैं यहीं रह लेती हूँ। ओके, और यहाँ की रोडें कितनी अच्छी है, सो लाइक गुड, और ट्रैफिक रूल्स सब इतने प्रॉपरली फॉलो करते, खैर यहाँ की पॉपुलेशन भी कम है कह सकते हैं। हाँ, इसीलिए भी रोड्स काफी अच्छे हैं, हम काफी कल घूम के आए, बट व्हीकल्स बहुत स्पीड में जाते हैं। व्हीकल बहुत स्पीड में जाते हैं। Now it's time to show you guys the resort, कहाँ पे हम लोग रह रहे हैं इतने दिनों से।
हम हमारे कमरे से बाहर आते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल से नीचे आते ही ये पूरा सी का व्यू है और यहाँ पे हम लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं नीचे। सब बीच से बाहर निकलते ही हम लोग जाएंगे राइट की तरफ, वहाँ पे आएगा कैफेटेरिया एरिया। तो ये है कैफेटेरिया एरिया जहाँ पे लंच होता है, ब्रेकफास्ट और डिनर दूसरी जगह पे होता है, या फिर अदरवाइज आपका कैंडल लाइट डिनर है या फिर बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी है तो वो सेलिब्रेशन यहाँ होता है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी किसी का मैरिज का सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है। और कैफेटेरिया से बाहर निकलते ही ये है फिन एंड फ्लैग बीच का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये है पूरा ब्रेकफास्ट एंड डिनर का एरिया, यहाँ पे सब होता है और यहाँ पे बार है और यहाँ पे भी एक दूसरा स्विमिंग पूल है व्हेन यू कैन हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बार एंड आल्सो स्विम। हमारे घर के सामने पहला, हमारे जो रूम के सामने इससे ये छोटा है, ये दूसरा स्विमिंग पूल है। सो दिस इज वेयर वी सीट एंड हैव आवर ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अब आता है हमारा प्ले एरिया, यहाँ पे आप कैरम पूल टेबल टेनिस सब खेल सकते हैं, बट यूजुअली आपको यहाँ पे कोई मिलेगा नहीं क्योंकि इधर सब लोग स्विमिंग पूल में हैं और या फिर कहीं ना कहीं बाहर घूम रहे हैं। हम लोग यहाँ से 5-6 दिन से हैं पर यहाँ पे कभी भी किसी को कुछ भी खेलते हुए हमने नहीं देखा आज तक। और ये रूम से बाहर निकलते हुए सामने की साइड है गार्डन स्पा, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पा ले सकते हैं, कपल्स के लिए भी फ्री है, सॉरी बाय वन गेट वन है और 30% ऑफ है इफ़ यू आर हनीमूनर्स। की प्राइजेज अराउंड 2700 मॉरिशियन रुपीज़ से स्टार्ट होती है अप टू 4000 मॉरिशियन रुपीज़। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे मसाजेस मिलते हैं। हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो है सी फेसिंग रूम्स है और स्विमिंग पूल फेसिंग रूम है और यहाँ पे जो है वो विलाज है। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे आप विलाज भी बुक कर सकते हो। और विला के बाजू में ही यहाँ पे है थोड़ी सी राइड्स है और कुछ नहीं है, मतलब किड्स का प्ले एरिया है वो पीछे है। और विलास के एकदम बाजू में यहाँ पे फिटनेस सेंटर मतलब कि जिम है अगर आप करना चाहो तो, और जिम के एग्जैक्ट बाजू में ही यहाँ पे है टेनिस कोर्ट। जैसे ही मैंने एक्टिविटीज़ बताई थी आपको, वहाँ पे कैरम और पूल टेबल है, ऐसे यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी है, फ्री ऑफ चार्ज आप कभी भी दिन में खेल सकते हो यहाँ पे। सो गाइज ये था हमारा छोटा सा रिसॉर्ट, यहाँ पे खेलने की काफ़ी चीज़ है, स्विमिंग पूल है, ज़्यादातर लोग तो स्विमिंग पूल में पड़े रहते हैं, कोई खेलता कम है। जैसे कि आप देख रहे थे टेनिस कोर्ट और जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी का क्लब है वो दोनों खाली है और फिटनेस क्लब भी पूरा दिन खाली है। हम तो 5 दिन से रह रहे, हमने किसी को कभी यहाँ पे आते नहीं देखा। स्विमिंग पूल में ज़रूर भीड़ रहती है, स्विमिंग पूल बहुत अच्छा है क्योंकि वहाँ से इन्फिनिटी स्विमिंग पूल है और वहाँ से पूरा सी दिखता है, सो व्यू काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। सो गाइस बिल्डिंग्स जो होते हैं वो बिल्डिंग्स ऐसा सिमिलर है, 3 फ्लोर्स डबल फ्लोर वाले होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे जैसे कि हमारा फ्लैट था वैसा ही फ्लैट है, फर्स्ट फ्लोर पे भी सिमिलर है और सेकंड फ्लोर पे भी सिमिलर है। अगर आपका सी फेसिंग है तो वहाँ की साइड आपको मिलेगा सी के साथ, अगर आपका सी फेसिंग नहीं है तो यहाँ पर आपको मिलेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया और ये टूर आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि मॉरिशस का नेक्स्ट व्लॉग जब लाइव हो तब आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। एंड विल सी यू गाइस अवर नेक्स्ट वीडियो। ये जो प्लेस है उसे वाटर फ्रंट बोलते हैं, दुनिया में ऐसे 6 वाटर फ्रंट है, ये 5th है दुनिया का जो मॉरिशस में है।